सर्दियों के मौसम में शादी हो और शादी में गर्मा गर्म मूंग दाल चीला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शादियों में सबका चहेता मूंग दाल चीला आज मैं बनाने वाली हूँ, और साथ में आज आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप बताऊंगी कि जिससे आपके जो मूंग दाल चीले हैं वो शादी में जो करारे करारे मूंग दाल चीले बनते हैं वैसे ही बन के तैयार होंगे। ये चीले खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ में बहुत ही हेल्दी है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी में। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मूंग दाल चीला है तो सबसे पहले लेंगे हम आधा कप छिलके वाली मूंग दाल। मैं यहाँ पर जो क्वांटिटी बता रही हूँ उसमें से आप 7 से 8 चीले बनाकर तैयार कर सकते हो, और आधा कप यहाँ पर मैंने ली है पीली वाली मूंग दाल। दोनों दालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि दालों के ऊपर अगर कोई डस्ट या गंदगी है तो वो निकल जाए। ये मूंग दाल चीला बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बस सिर्फ दालों को 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है, और अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी में 1 घंटा भिगोकर भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैं अभी दालों को पानी से साफ कर लेती हूँ और भिगा कर रख देती हूँ। अभी 3 से 4 घंटे हो गए हैं, दाल अच्छी तरह से भीग कर फूल चुकी है। जब आप हाथों से इसे तोड़ेंगे तो ये बहुत ही आसानी से टूट भी जाएगी। तो दाल अच्छी तरह से भीग गई है तो इसके अंदर जो पानी है वो हम छान लेंगे। कोई भी पानी इसके अंदर हमें नहीं चाहिए तो छलनी में मैं इसे निकाल दूंगी। साथ में यहाँ पर मैंने लिया है हरी मिर्च, हरा लहसुन और अदरक। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर दें। आपको जितना तीखा पसंद हो ना उसके हिसाब से आप हरी मिर्च की क्वांटिटी ले सकते हैं। तो इसकी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। दाल को हम आवश्यकता के अनुसार पानी डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप पानी मिलाया है। ये जो घोल है वो हमें इस तरह का चाहिए, न ज्यादा गाढ़ा न ज्यादा पतला, तो मीडियम थिक हमें ये घोल तैयार करना है। और मैंने कुल आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी इसमें मिला सकते हैं। तो अभी हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। ये बैटर को हमें फर्मेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं रखना है, तुरंत ही इसमें से हम चीले बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक मिलाया है, नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें डालें। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, आधा टीस्पून इसमें हींग डालेंगे। हींग से बहुत ही बढ़िया इसके अंदर फ्लेवर आने वाला है, तो हींग को आप जरूर इसके अंदर डालें। अदरक, मिर्च और हरी लहसुन की जो पेस्ट हमने तैयार की थी वो डाल देंगे। मैंने अभी 1 चम्मच ही पेस्ट इसके अंदर मिलाई है, बाकी की हम जो स्टफिंग तैयार करेंगे उसके अंदर डालेंगे। अक्सर हम लोग घर में ये चीले बनाते हैं लेकिन उसमें वो करारापन नहीं आता है जो हम शादी में खाते हैं। तो मैं अभी इसके अंदर एक और सीक्रेट चीज मिलाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मिला देंगे इसके अंदर 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, ताकि हमारे चीले का कलर बहुत ही बढ़िया आए। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला दिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी है वो आप इस तरह की ही रखें, ये बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब इसके अंदर डालेंगे हम वो सीक्रेट वाली चीज की जिससे हमारे चीले बाहर जैसे ही क्रिस्पी और करारे बने। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच सूजी डाली है। सूजी यहाँ पर मैंने जो बारीक वाली आती है वो ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सर जार में चलाकर थोड़ी सी बारीक कर ले। सूजी डालने के बाद 10 मिनट इसे छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से भीग कर फूल जाए। स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, हरा धनिया और गाजर। गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है और प्याज को मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। साथ में लेंगे हम पनीर। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 से 150 ग्राम के करीब पनीर लिया है। ये मेरा घर का बनाया हुआ पनीर है, आप मार्केट में जो रेडीमेड पनीर मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर को हम कद्दूकस करेंगे लेकिन जो बारीक वाली साइड होती है वहां से उसे कद्दूकस कर लेंगे। शादी में जो चीला मिलता है उसमें इस तरह का ही स्टफिंग तैयार किया जाता है। आप चाहे घर का बनाया हुआ पनीर इस्तेमाल में ले या फिर मार्केट वाला, लेकिन पनीर आपका इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए और बारीक लच्छे हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि हम जो चिला बनाएंगे उसका फिर रोल भी करने वाले हैं, तो पनीर इस तरह से सॉफ्ट रहना चाहिए। तो बाकी का पनीर भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसके अंदर पहले हम पनीर डाल देंगे। जब भी आपको ये चीला बनाना हो तभी आप इस तरह से स्टफिंग तैयार करें। अगर आप बैटर बनाकर थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा, तो स्टफिंग पहले से तैयार ना करें। अब जो सब्जियां हमने ली थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे।
आप चाहे तो इसके अंदर बॉइल कॉर्न भी मिला सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा मिक्सर जार के अंदर क्रश करके डालें। अब अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट इसमें हम डाल देंगे जो बाकी बची हुई थी। बैटर के अंदर मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही मिलाया था। नमक मिला देंगे स्वाद के हिसाब से, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक मिलाया है। आधा टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसे। जब भी आप इस तरह से स्टफिंग बनाएं और मसाले डालें तो क्या होगा कि उसके अंदर हल्का सा पानी छूटेगा, तो इसी वजह से आपको ये स्टफिंग पहले तैयार नहीं करना है। और अगर आप तैयार करके रख रहे हैं तो मसाले ना मिलाएं। अब यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक तवा गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा तेल डालेंगे और पहले हम इसे ग्रीस कर लेंगे, तो एक पेपर टिश्यू की सहायता से या फिर कपड़े से आप इसे चारों ओर फैला दें ताकि हमारा जो तवा है वो अच्छी तरह से सीजन हो जाए। वैसे तो ये नॉनस्टिक है तो नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, लेकिन इस तरह से अगर आप थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेते हैं तो आपका जो चीला है वो कभी भी बिल्कुल नहीं चिपकता। इसके अंदर हमें सोडा या इनो कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 बड़े चम्मच भरकर हम बैटर लेंगे और बीच में इसे बाहर की ओर इस तरह से गोलाकार में इसे फैला देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम और हाई के बीच में रखना है और बैटर को हमें इस तरह से थोड़ा सा मोटा ही फैलाना है। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो इसके ऊपर रख देंगे, तो अच्छी तरह से चारों ओर स्टफिंग हम भरकर रख देंगे। स्टफिंग इस तरह से रख देने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम और स्लो के बीच में कर देंगे और इसके ऊपर हम तेल लगा देंगे। आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी तेल लगाया है, तो चारों ओर भी हल्का सा तेल लगाएंगे और ऊपर की ओर भी तेल लगा देंगे। थोड़ी देर के बाद इसे हम पलट देंगे, तो देख सकते हैं कि बहुत ही इसका जो कलर है वो बढ़िया आ चुका है और ये क्रिस्पी भी बना है काफ़ी। दूसरी ओर पलटने के बाद गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, ऊपर की ओर भी हल्का सा हम तेल लगा देंगे। जब आप स्टफिंग वाला पार्ट जो है वो नीचे की ओर रखते हैं तो गैस की फ्लेम को स्लो रखें ताकि पनीर डायरेक्ट तवे के ऊपर है तो ज़्यादा जले नहीं। दूसरी ओर भी 1 से 1.5 मिनट रखेंगे और स्पैचुला से इस तरह से चारों ओर घुमाकर इसे पलट देंगे। वाओ, देख सकते हैं कि बहुत ही इसका बढ़िया कलर आ चुका है, दूसरी ओर भी अच्छी तरह से ये सीख चुका है, तो इसे हम इस तरह से रोल कर लेते हैं। आप चाहे तो बिना रोल किए भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज हम शादी वाले स्टाइल से बना रहे हैं तो उसी तरह से इसे बनाकर तैयार करेंगे और सर्व भी उसी तरह से करेंगे। तो हमारा करारा पनीर चीला बनकर तैयार हो चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं और फिर इसे बीच में से कट कर लेंगे। जिस तरह से शादियों में सर्व किया जाता है ना, उसी तरह से आज हम सर्व करने वाले हैं। आप चाहे तो इस तरह से बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये पनीर चीला बनाकर दे सकते हैं, ये काफ़ी हेल्दी भी है। देखिए कितना कलरफुल हमारा पनीर चीला बनकर तैयार हुआ है। स्वाद तो इतना मज़ेदार है कि आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो हफ्ते में एक बार आप इसे ज़रूर बनाएंगे सबकी डिमांड पर। अब इस तरह की जो प्लेट आती है उसमें ही हम सर्व करते हैं, तो सारे जो रोल हमने कट किए थे वो इसमें अभी रख देंगे। ये पनीर चीला गर्मा गर्म ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, बनाकर पहले से कभी ना रखें। इस तरह से प्लेट में मैंने इसे निकाल दिया है। अब इसके साथ अगर चटनी ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो साथ में हम सर्व करने वाले हैं हरे धनिया और फुदीने की चटनी और टोमेटो केचप। आप सिर्फ टोमेटो केचप के साथ भी ये चीला सर्व कर सकते हैं। तो ये सर्दियों के मौसम में शादी वाला ये करारा गर्मा गर्म मूंग दाल चीला आप एक बार जरूर ट्राई करें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर इसे थोड़ा सा और टेम्पटिंग बना सकते हैं उसके ऊपर चीज ग्रेट करके। पसंद आपकी है, आप जिस तरह से इसे खाना पसंद करें उस हिसाब से आप इसे सर्व कर सकते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ।